Hey guys, आपका स्वागत है मेरे चैनल A Delivery Sense पर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लिमिट टेस्ट के बारे में। अब ये लिमिट टेस्ट मैंने कहाँ से उठाया है वो बता देती हूँ। बी फार्मा PCI के सिलेबस में फर्स्ट सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिसिस में लिमिट टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आप अलग अलग टाइप के लिमिट टेस्ट पढ़ते हैं, जैसे कि क्लोराइड का, जैसे कि सल्फेट का, और इसके अलावा आप पढ़ते हैं जैसे कि आर्सेनिक का, और इसके अलावा आप पढ़ते हैं आयरन का। तो ऐसे करके काफ़ी सारे लिमिट टेस्ट उसके अंदर दिए गए हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम वन बाय वन सबसे पहले उन्हीं की बात कर लेंगे, क्योंकि वो दो सब्जेक्ट में आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दो की, यानी कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड और लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट की। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। तो पहला टॉपिक है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में क्या पढ़ना है हमको, किसी भी क्लोराइड, किसी भी लिमिट टेस्ट में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना होता है कि उसका प्रिंसिपल क्या है, यानी कि वो किस बेस पे पूरा परफॉर्म किया जा रहा है। फिर हम उसके बाद पढ़ते हैं कि उसमें रिएक्शन क्या हो रही है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उसमें प्रोसीजर आप क्या फॉलो कर रहे हो। अगर आप लैब में ये परफॉर्म करेंगे तो कौन सा प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। उसके बाद आप पढ़ते हैं कि उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद में आपने क्या ऑब्जर्वेशंस देखी, क्या आपको दिखाई दिया, कैसे आपने रिजल्ट निकाले वो। ठीक है, इतनी चीजें आपको किसी भी लिमिट टेस्ट के अंदर पढ़नी होती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले शुरू कर रहे हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। क्लोराइड क्या होते हैं? क्लोराइड आयन्स होते हैं जो कि आपके किसी सैंपल में मौजूद हो सकते हैं। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कुछ भी बना रहे हैं तो वो सभी तरीके की इम्प्योरिटी से फ्री होना चाहिए, और ये जो आयन्स होते हैं ये समटाइम्स प्रेजेंट हो सकते हैं एज इम्प्योरिटी। तो हमें किसी भी सैंपल में, किसी भी फार्मास्यूटिकल सैंपल में चेक करना होता है कि ये आयन्स जो है एज इम्प्योरिटी वहां पर इनकॉर्पोरेट तो नहीं हो गए हैं, और अगर हो गए हैं तो वो एक लिमिट के अंदर है या लिमिट से बाहर जा चुके हैं। ये चीज चेक करने के लिए हम लिमिट टेस्ट लगाते हैं। तो वैसे ही लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में हम सबसे पहले समझते हैं उसका प्रिंसिपल, कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड किस बेस पे काम करता है। यहां पर क्योंकि हमें लिमिट टेस्ट किसका करना है, क्लोराइड का, तो क्लोराइड जो कि आपके सैंपल के साथ मिक्स्ड है ना, उस क्लोराइड की रिएक्शन करवाई जाती है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। तो जब वो क्लोराइड, सैंपल में मौजूद क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो वो कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर क्लोराइड के अंदर। सिल्वर क्लोराइड एक कैसा कंपाउंड होता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है एसिड के प्रेजेंस में, तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है, और उसके वजह से आने वाली टर्बिडिटी जो होती है वो आपको बताती है कि क्लोराइड प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर है तो लिमिट से ज्यादा है या लिमिट से कम है। अब ये जो कहानी मैंने बोली उसको अच्छी तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है क्लोराइड, ठीक है, आप कोई भी XYZ कोई भी आप फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ले रहे हो, वहां पे क्लोराइड प्रेजेंट है। एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख लिया यहाँ पे NaCl, अब यहाँ पे तो होता ही है क्लोराइड। तो इसकी रिएक्शन आप करवाएंगे आपके रिएजेंट जिसका नाम है AgNO3, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे किसके प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, AgCl यानी कि सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म करेंगे, है ना, AgCl सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म करेंगे, और ये जो NaNO3 है वो अलग हो जाएगा, यानी आपका नाइट्रेट फॉर्म अलग हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड आपका बना है यहाँ पर AgCl, ये AgCl की क्या खास बात है कि ये कैसे नेचर का होता है, ये इनसॉल्युबल नेचर का है उस सॉल्यूशन के अंदर, तो ये टर्बिडिटी फॉर्म करेगा, और उस टर्बिडिटी या क्लाउडिनेस के वजह से आप पता लगा पाओगे कि आपके सैंपल के अंदर क्लोराइड प्रेजेंट है या नहीं है। ये है बेसिक प्रिंसिपल। अब इस बेसिक प्रिंसिपल के बाद हम पढ़ते हैं इसका प्रोसीजर। जैसा कि सभी को पता है कि शादियों का सीजन है, हाँ जी शादियों का सीजन है, तो बैकग्राउंड में आवाज आ सकती है, उसको इग्नोर करते हुए पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब हम ये जो जितना बोला मैंने कि सैंपल ने इसके साथ रिएक्ट किया, उसके साथ रिएक्ट किया, वो हम करेंगे कैसे, तो वो करने के लिए ये सैंपल है। आपको करना क्या होता है, जब भी आप लगाते हैं लिमिट टेस्ट तो आपको स्पेसिफाइड अपैरेटस की जरूरत पड़ती है, ग्लासवेयर्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं नेसलर सिलेंडर, है ना, नेस्लर सिलेंडर होता है जिसको, जिसके अंदर ये लिमिट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि क्लोराइड का, सल्फेट का, नेस्लर सिलेंडर। अभी जो नेस्लर सिलेंडर है वो इतना बड़ा, मतलब अलग अलग साइज में अवेलेबल होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं, तो आपको नेस्लर सिलेंडर के अंदर परफॉर्म करना होता है। आप दो नेस्लर सिलेंडर लेते हैं, पहले वाले में आप टेस्ट सैंपल बनाते हैं, यानी कि
जिसके अंदर आपका क्या रखा होता है, सैंपल होता है जिसमें से आपको क्लोराइड है या नहीं है ये पता लगाना है। दूसरा आपका स्टैंडर्ड होता है जिससे कि आपको कंपैरिजन करना होता है। तो टेस्ट सैंपल बनाएंगे पहले, फिर हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अच्छा टेस्ट बाद में बना लेते हैं, पहले स्टैंडर्ड बना लेते हैं, वो बेटर है। तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 ml सॉल्यूशन लेते हैं, 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि आप सोडियम क्लोराइड का इतना वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाते हो और उसमें से 1 ml निकाल के कहाँ डालते हो, आपके नेस्लर सिलेंडर के अंदर। 1 ml भर गया नेस्लर सिलेंडर। अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे 1 ml नाइट्रिक एसिड। अब क्या हो गया, 2 ml तक पहुंच गया। अब इसको डाइल्यूट कर देंगे अप टू 50 ml। जब ये डाइल्यूट हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 ml AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, और इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे किया, वॉल्यूम धीरे धीरे मेकअप होता जा रहा है ना। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे येलो कलर से डिनोट किया है, ये सिर्फ मैंने डिनोट किया है कि हाँ ये सॉल्यूशन फिल्ड है, बाकी इसमें येलो कलर नहीं आता है, ये ट्रांसपेरेंट नॉर्मल जैसा आपका पानी होता है वैसा ही रहता है, बाद में क्लाउडीनेस आ सकती है, बाकी पीला कलर नहीं आता है। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट सैंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आपने क्या लिया था, सोडियम क्लोराइड लिया था, सोडियम क्लोराइड के अंदर तो क्लोराइड होता ही है, तो वैसे ही हमको यहाँ पर सैंपल लेना है, वो सैंपल जिसमें कि क्लोराइड है या नहीं है, या है भी तो लिमिट में है, ये है पता हमको लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ भी ले लें, डेक्सट्रोज ले लेते हैं, है ना। वो सैंपल लिया, सैंपल का एक स्पेसिफाइड अमाउंट लेंगे, वाटर के साथ में मिक्स करेंगे और 1 ml लेके सॉल्यूशन रख लेंगे। इस 1 ml के अंदर हम ऐड करेंगे 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड, फिर इसको डाइल्यूट करेंगे 50 ml तक, सेम प्रोसीजर। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 ml AgNO3 सॉल्यूशन ऐड करेंगे, फिर उसको साइड में रख देंगे। ये जो पूरा प्रोसीजर हम ये किसके बेस पे फॉलो कर रहे हैं, IP के बेस पर, ये IP का प्रोसीजर है, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया का। तो अब क्या हुआ, हमने ये दोनों प्रिपेयर कर लिए और दोनों 5 मिनट के लिए साइड में रख दिए। अब 5 मिनट के लिए साइड में रख दिए, इनके बीच में कुछ रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन, वही जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, AgCl बनने की। अब इनके अंदर AgCl बनेगा, तो देखते हैं ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है हमें। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास दो कंडीशन होगी, आपने एक टेस्ट बनाया था, एक स्टैंडर्ड बनाया था, है ना। अगर ऐसा होता है कि आपके टेस्ट की और स्टैंडर्ड की क्लाउडीनेस इक्वल होती है, यानी कि देखो AgCl बना है, AgCl इनसॉल्युबल था भाई, अगर आप कोई भी एक सॉल्यूशन के अंदर कोई इनसॉल्युबल चीज डालोगे तो क्या होगा, वो थोड़ी देर में क्लाउडी होना शुरू हो जाएगा, है ना, टर्बिड होना शुरू हो जाएगा सॉल्यूशन। तो अगर इन दोनों की टर्बिडिटी सेम है या फिर टेस्ट की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से कम है, तो आपका टेस्ट पास है, यानी कि आपके सैंपल के अंदर क्लोराइड विद इन द लिमिट प्रेजेंट है, तो आप ये सैंपल को पास कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है, अगर आपका सैंपल, टेस्ट सैंपल ज्यादा क्लाउडी है आपके स्टैंडर्ड से, जैसा कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश की कि इसमें क्लाउडीनेस ज्यादा है, तो अगर ये ज्यादा क्लाउडी है तो क्या होगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके सैंपल के अंदर क्लोराइड आयन बहुत सारे प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, जो लिमिट से भी ऊपर है, तो ये सैंपल आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। ये है ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट चीज आती है, रीजन क्या था भाई, क्यों ऐसे ही क्लाउडीनेस आई, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज एडेड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड टू मेक द सॉल्यूशन एसिडिक एंड इट हेल्प्स सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट टू मेक द सॉल्यूशन टर्बिड, यानी कि ये जो नाइट्रिक एसिड आपने ऐड करी थी ना 1 ml, वो लिमिट टेस्ट में इसलिए ऐड करी जाती है ताकि वो सॉल्यूशन को एसिडिक बना दे, और उस एसिडिक सॉल्यूशन के वजह से जो सिल्वर क्लोराइड है वो प्रेसिपिटेट होकर के टर्बिडिटी फॉर्म कर सके, ठीक है। ये था लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अब इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट की। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स, सल्फेट की लिमिट टेस्ट में सबसे पहले हम जानेंगे उसका प्रिंसिपल। उसका प्रिंसिपल भी बेस्ड होता है कुछ रिएक्शंस पे, किन रिएक्शंस पे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सल्फेट, आपके सैंपल में जो भी सल्फेट मौजूद है उसकी रिएक्शन करवानी होती है BaCl2 के साथ। BaCl2 कौन है, बेरियम क्लोराइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में, तो बनता है BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट, और KCl या जो भी आपका Cl वाला कंपाउंड होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो बेरियम सल्फेट होता है इसके प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होते हैं वो आपको बताते हैं टर्बिडिटी ज्यादा या कम करके, कि आपके सैंपल के अंदर सल्फेट कितना मौजूद है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl टू फॉर्म बेरियम सल्फेट।
विच अपीयर्स एज अ सॉलिड पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, यानी कि इसको सॉलिड पार्टिकल के फॉर्म में जब ये दिखेगा तो इसके बेस पे आप डिसाइड करोगे कि लिमिट आपका जो सल्फेट है वो लिमिट के अंदर है लिमिट के बाहर है, ये पूरा प्रिंसिपल है। रिएक्शन कैसे समझोगे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना जो भी सैंपल है यहाँ पे, सैंपल में देखो सल्फेट तो होता ही है, अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख लिया है K2SO4, यानी कि पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट की रिएक्शन हुई बेरियम क्लोराइड के साथ में, किसके प्रेजेंस में, डायल्यूट HCl के प्रेजेंस में। अब ये क्या होगा, बेरियम और सल्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे, बना लेंगे बेरियम सल्फेट और बची हुई चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। जो बेरियम सल्फेट होगा ये सॉलिड पार्टिकल की तरह प्रेसिपिटेट होगा, बाहर निकलेगा और क्या बनाएगा, टर्बिडिटी शो करेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोसीजर की। अब हम बात कर लेंगे कि इसमें हम क्या प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बनाएंगे। स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए K2SO4 का सॉल्यूशन और डाइल्यूट HCl और बेरियम सल्फेट रिएजेंट। अब सवाल ये है कि ये जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट है ये कैसे बनाया जाता है। बेरियम सल्फेट रिएजेंट बनाने के लिए हमें क्या लगता है, यहाँ पर मैं ये भी नोट डाउन कर देती हूँ ताकि आपके नोट्स में आपको हेल्प मिल जाए। बेरियम सल्फेट का रिएजेंट बनाने के लिए 12 ग्राम बेरियम सल्फेट लिया जाता, बेरियम क्लोराइड लिया जाता है और इस 12 ग्राम बेरियम क्लोराइड में, बेरियम क्लोराइड को एक्चुअली कितने वाटर के साथ, 1000 ml वाटर के साथ में मिक्स किया जाता है। तो ये जो सॉल्यूशन आपके पास आया है 12 ग्राम बेरियम क्लोराइड का 1000 ml वाटर में, ये एक्चुअली क्या सॉल्यूशन है आपका, 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। इसके अंदर आप ऐड कर देते हैं, मतलब इस वाले जो आपने 1000 ml का सॉल्यूशन बनाया है इसमें से आप निकालते हैं 15 ml, बिल्कुल ये वाली बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, इसमें से आप निकालते हैं 15 ml। इसमें फिर आप ऐड करते हैं 55 ml ऑफ वाटर और साथ ही साथ फिर आप, ये कितना हो गया, ये दोनों मिलाकर के हो गए 70 ml। अब इस 70 ml के अंदर आप डाल देते हैं 20 ml एल्कोहल यानी कि इथेनॉल, और ये जो इथेनॉल आप डाल रहे हो ये भी इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम सल्फेट्स, और फिर इसके अंदर आप ऐड कर देते हैं 0.5 ml ऑफ 0.0181% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ K2SO4। मुझे लगता है मैंने बहुत सारी जगह घेर ली जो कि मुझे नहीं लिखना चाहिए थी, बट ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मुझे आपको यहाँ पे मेंशन करना ही था। तो देखो क्या है, मैं कहना चाहती हूँ ये कि कभी भी सल्फेट का टेस्ट लगाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए K2SO4 का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बाद में हमको चाहिए HCl, के बाद हमको चाहिए बेरियम सल्फेट रिएजेंट। बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐसे बनाया जाता है, कैसे, 12 ग्राम बेरियम क्लोराइड लेते हैं, उसको 1000 ml वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इस सॉल्यूशन में से 15 ml लेते हैं, 15 ml ये लेंगे ये वाला सॉल्यूशन, उसमें डालेंगे 55 ml वाटर, 20 ml एल्कोहल और 5 ml 0.0181% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ K2SO4। तो ये पूरी कुल मिला के हो जाएगा 95 ml। अब इसको 5 ml और पानी डाल देंगे ताकि ये 100 ml का पूरा बेरियम सल्फेट रिएजेंट बन जाए। तो ये जो लाल कलर से मैंने लिखा हुआ ये पूरा आपका बेरियम सल्फेट रिएजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको समझाती हूँ टेस्ट प्रोसीजर और स्टैंडर्ड प्रोसीजर, और आई होप आपको समझ में आए। देखिए पहले स्टैंडर्ड प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, 1 ml लेंगे 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ K2SO4। इस सॉल्यूशन में हम ऐड कर देंगे 2 ml डाइल्यूट HCl और इसको डाइल्यूट करेंगे अप टू 45 ml। डाइल्यूट करने के बाद में और डाइल्यूट किससे करना है, विद वाटर, आई शुड मेंशन दिस आल्सो, वाटर से आप कर रहे हो। फिर इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट, ये जो हम ऊपर रिएजेंट बनाया है ना इसको आप ऐड करोगे यहाँ पर 5 ml। ठीक है, अब देख लेते हैं टेस्ट में क्या कर रहे हैं हम। टेस्ट के लिए हम लेंगे अपना सैंपल, कुछ भी हो सकता है, सैंपल को वाटर में डिजोल्व करेंगे 1 ml लेंगे यहाँ पर, फिर उसमें 2 ml डाइल्यूट HCl डालेंगे और उसको भी डाइल्यूट करेंगे वाटर से अप टू 45 ml। जब भी 45 ml यहाँ पर डाइल्यूट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट जो हमने यहाँ पर बनाया है, और इन दोनों को साइड में रख देंगे, दो नेस्लर सिलेंडर्स को दोनों को हम साइड में रख देंगे, फिर इसके बाद हम करेंगे ऑब्जर्व कि आखिर हुआ क्या, देखते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो
दो नेस्ला सिलेंडर थे, एक टेस्ट का और एक स्टैंडर्ड का. मैंने बाय मिस्टेक सैंपल लिख दिया, बट ये स्टैंडर्ड है. ओके तो यहाँ पे आपने दोनों रखे हुए हैं. अगर इन दोनों की टर्बिडिटी, इन दोनों के अंदर जो क्लाउडीनेस है वो एक जैसी है या टेस्ट की कम है, तो आपका सैंपल पास है क्योंकि उसके अंदर सल्फेट कम मौजूद है. और जो आपका सैंपल है, अगर टेस्ट सैंपल उसकी क्लाउडीनेस ज़्यादा है और आपके स्टैंडर्ड की कम है, तो आपका टेस्ट फेल है. ओके तो ये थे आज की वीडियो. इस वीडियो में हमने जाना है कि क्लोराइड और सल्फेट का लिमिट टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं. और आप अगर एग्जाम में इसी तरीके से डायग्राम के थ्रू बना के आते हैं, जिन लोग की स्पीड अच्छी है वो अगर ऐसे बना के आते हैं तो उन लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे. और जो लोग की स्पीड अच्छी नहीं है वो भी कोशिश करें कि अगर ऐसे नहीं बना पा रहे तो किसी और फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें, क्योंकि फर्स्ट ईयर का टॉपिक है ये. तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को लिखने में थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, एक्सपीरियंस कम होता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी. बट अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. और जिन लोगों को कंटेंट कम लगता है उनके लिए मैं नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगी. पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे चैनल को जिसका नाम है एडिल्यूमिनिसेंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.